जय जिनेन्द्रा, आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। फ्रेंड्स, आज मैं अपना कुछ गार्डनिंग वर्क कर रही हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नर्सरी गई थी और वहाँ से मैं ये छोटी छोटी पौधे लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये है जीनिया जो कि बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। और देखिए ये है कोचिया, ये फ्रेंड्स ग्रीन बाउल की तरह बनती है, टोपियारी टाइप। तो चलिए अब हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसके लिए ये पॉट लिए हैं 8-8 इंची के। इन दोनों में ही फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने ये देखिए 4 ले लिए हैं। अच्छा, अगर हम इसकी सॉइल देखें, ये देखिए मैंने इसकी सॉइल बना ली है। इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट और मैंने इसमें 2 हिस्से रेत रखे हैं। और देखिए ये है फंजीसाइड, अब मैं इसमें फंजीसाइड मिक्स कर दूँगी। फंजीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास फंजीसाइड ना हो तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी भी हमारी एंटीबायोटिक होती है जो कि हमारे फंजीसाइड का ही काम करती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये हमारी नीम खली और इसमें हमारा सीबीडी अट्रैक्ट है जो मैंने इसमें मिक्स करके मेरा पहले की गमले का बचा हुआ था वो ले लिया है। तो चलिए अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और देखिए सबसे पहले हम अपने गमले के जो होल हैं इनको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये पॉट थोड़े छोटे हैं तो मैं इसमें इस तरह की कॉटन क्लॉथ लगा रही हूँ। जीनिया का जो फ्लावर आता है फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर आता है और ये अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है और बहुत ही सुंदर इसका फूल होता है। और इसके जो फूल जो खिलते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खिलते हैं। लॉन्ग टाइम से मतलब है कि जैसे एक बार फूल खिल गया तो वो 10 से 15 दिन तक हमारे प्लांट में बना रहता है। ये फूल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है फ्रेंड। तो अभी तो हम लगाने के बाद इसको 1 हफ्ते तक सेमी शेडी एरिया में रखेंगे और फिर उसके बाद हम जब हमारा पौधा थोड़ा ग्रो हो जाएगा तब हम इसको सनलाइट में रखेंगे। और जो कोचिया वाला प्लांट है फ्रेंड, इसकी तो बहुत सुंदर बाउल्स बनती हैं। अगर आपकी क्यारी है लंबी सी तो अपनी प्यारी को एक बहुत ही सुंदर लुक देने के लिए आप इसे पूरी क्यारी पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दीजिए और इसका बहुत ही सुंदर लुक आता है। और आप इसके लिए जो प्लांटर ले रहे हैं फ्रेंड्स वो आप छोटे ही लीजिएगा। थोड़ा सा दबा के हम अपनी गमलों में इस मिट्टी को भर लेंगे। ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें पौध को लगाने से पहले हमारी जो मिट्टी है हम उसे मॉइस्ट भी कर लेंगे। मिट्टी को पहले मॉइस्ट करने से फ्रेंड्स ये फायदा होता है कि अब जब हम अपने, देखिए ये जो हमारी पौधे हैं ये बहुत छोटी हैं तो जब हम इनको लगाएंगे तो ये हिलेंगी नहीं। और अब हम इन्हें आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत शैलो होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। ये देखिए,
कितनी बारीक इनकी रूट्स हैं, और जब हमारी मिट्टी पहले ही मॉइस्ट हो जाएगी तो ये अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। और देखिए हमें इसे कुछ नहीं करना है, बस इसको आराम से ऐसे इसमें लगा देना है। और हम दोबारा वाटरिंग फ्रेंड्स जब ही करेंगे जब ये हमारी मिट्टी सूख जाएगी। इस तरह से हम इनको लगाएंगे, देखिए ये देखिए। और कितनी बार फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे आप हमने ये निकाली है, इसमें तो जाली नहीं है, इनमें जाली लगी हुई आती है, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें और उनकी जाली को रिमूव जरूर कर दें। ये देखिए इस तरह से इनकी रूट्स को बिना डिस्टर्ब करें हम इसमें लगा देंगे। ये हमारी जीनिया वाली प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी इनकी रूट्स हैं। देखिए इसके आसपास हम थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स आज हम अपनी जीनिया और कोचिया की प्लांट को लगाया है और इनकी अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी या आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।